मेरे मम्मी पापा सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक छोटे से गांव से पढ़ने के लिए प्रयागराज जैसे विशाल का शहर में भेजा। आपके आंख में आंसू क्यों आ गए? अब पिताजी की याद आ रही। यूपी बोर्ड के रिजल्ट घोषित हुए हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल करने वाले एक किसान के बेटे हैं राज सिंह। राज सिंह इस परीक्षा में सफल होने का श्रेय माता पिता को देते, क्योंकि इनके पिताजी एक किसान थे। क्या कौन सी रैंक पाई है आपने? मैंने स्टेट में फोर्थ रैंक पाई है। कितनी तैयारियां की थी आपने? मैं तैयारी तो लगभग 100% किया था, और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी और सभी भैया बहनों का भी सहयोग मुझे मिला, और मैंने स्टेट में फोर्थ रैंक हासिल की। अच्छा, 24 घंटे में कितनी देर पढ़ाई करा करते थे? मैं 5-6 घंटे प्रतिदिन पढ़ा, और कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाता था, लेकिन रेगुलर स्टडी किया मैंने। अब अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। इसका श्रेय किसको मानते हैं? मम्मी पापा का कितना योगदान रहा है? मेरे मम्मी पापा सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक छोटे से गाँव से पढ़ने के लिए प्रयागराज जैसे विशाल का शहर में भेजा। आपके आँख में आंसू क्यों आ गए? अब पिताजी की याद आ रही। याद आ रही, मतलब पिताजी एक किसान है, पापा का सपना कैसे पूरा करेंगे? पापा क्या बनाना चाहते थे? पापा तो बोले जो आपका मन वही कीजिए। तो खुश हैं आप रिजल्ट से? हाँ। मतलब ये राज सिंह है जो चौथी रैंक पे हाई स्कूल में प्राप्त किया है। लड़कियां भी हैं, देखेंगे इस बार सबसे बड़ी बात, पूरे रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है और हाई स्कूल और इंटर दोनों में अव्वल आई हैं। मतलब रैंकिंग अच्छी है, पढ़ाई का प्रतिशत अच्छा रहा और रिजल्ट भी हासिल। इस बार आपने रिजल्ट देखा, लड़कियों ने बाजी मारी है जी। कितनी खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की थी और जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। क्या लगता है क्या बनना है आगे? जी, आगे तो डॉक्टर बनना है, शायद अब सपना पूरा भी हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज अच्छे हैं। लड़कियों ने बाजी मारी है, खुश है आप? बहुत खुश है, और हमारे जितने भी कॉर्पोरेटिव्स हैं सब बहुत खुश हैं, जितने भी लोगों ने हमको हेल्प किया इस पहुंचने के लिए पोजीशन पे। क्या लगता है लड़कियां अब आगे जा रही हैं? बहुत आगे जा रही हैं, हर फील्ड पे लड़कियां आगे जा रही हैं। आगे जा रही, कितनी खुश है आप आज? बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लड़कियां बहुत ही आगे अब जा रही हैं, वो हर फील्ड में आगे। नहीं, लड़कियां घर में भी रहती हैं, मम्मी के साथ भी रहती, लेकिन स्कूल में हर जगह हर फील्ड में वो लोग हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, लड़कों से भी ज्यादा बाजी मार रही हैं। पहले बहुत डर लगता है लोगों को, अब घर से निकलने में अच्छा लगता है? अब तो बहुत ही अच्छा, लड़कियां पूरी फ्रीडम है, मतलब कुछ भी कर सकती हैं, वो उनको जो मैंने वो कर सकती हैं। क्या कह रही थी? हम बहुत खुश हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि लड़कियां आगे जा रही हैं और इतना अच्छा रिजल्ट ला रही हैं, लड़कों से भी अच्छा ला सकती हैं अगर हम मेहनत करें तो, और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट से जी। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं, और हम मुझे अपना सपना पूरा करना है। मतलब आप समझिए वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा में अच्छे नंबरों से नंबर हासिल किया है। सबसे बड़ी बात है कि ये सारे परीक्षार्थी इस बार परीक्षा में अव्वल पाया, सबसे प्रयागराज में 10वीं क्लास में जो चौथी रैंक पाया है राज सिंह है, वो फतेहपुर के रहने वाले हैं, उनके पिता पेशे से किसान हैं, अपने पिता का कह रहे वो सपना पूरा हुआ है, इसलिए आँख में आंसू आया है। लड़कियों का कहना है कि इस बार खास बात रही है कि लड़कियों का रिजल्ट हाई स्कूल और इंटर में लड़कों से आगे रही हैं, लिहाजा लड़कियां भी बहुत खुश है। वो कह रहे हैं कि अब हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहते हैं और पिता का सपना पूरा करेंगे। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।